ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। अब ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा, उन्होंने कहा है कि सब स्वतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है, ये तो खुद कमलनाथ जी ने कहा है। तमाम पार्टियों के लोगों का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है और ऐसे में बीच में तमाम अफवाहें और खबरें भी उड़ती रहती हैं, जिसका फायदा भी राजनीतिक पार्टी के लोग लेते हैं। ऐसे में ही अब एक और मामला सामने आया है, जब पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के बाद अब प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कमलनाथ को बीजेपी में आने का न्योता दिया है। मीडिया ने जब बीडी शर्मा से पूछा कि क्या कमलनाथ बीजेपी में आ रहे हैं, जवाब में उन्होंने कहा यह बात तो कमलनाथ ही क्लियर कर पाएंगे, लेकिन जो लोग देश की सेवा करना चाहते हैं भाजपा के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। वीडी शर्मा ने यह भी कहा कि जब भी कुछ फैसला लिया जाएगा सभी को सूचित कर ही दिया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने शुक्रवार को भोपाल स्थित बीजेपी के मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दिल्ली में शनिवार से शुरू हो रहे बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर जानकारी दी। वीडी शर्मा ने आगे कहा कि कांग्रेस के कुछ लोगों को रामलला की मूर्ति स्थापना से भी दिक्कत थी, कमलनाथ जी के मन में इस बात की पीड़ा हो सकती है, भाजपा विराट समुद्र है, जो आना चाहे वो डुबकी लगा सकता है। अब ये तो कमलनाथ जी से आपको ही पूछना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने सैद्धांतिक तौर पर अगर किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उनकी नीतियों पर विश्वास करते हुए हमारे नेतृत्व के ऊपर जिनका विश्वास बनता है, तो ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। अब ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा, उन्होंने कहा है कि सब स्वतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है, ये तो खुद कमलनाथ जी ने कहा है। अब ये तो जब हो जाएगा तब आप बिल्कुल देखिए। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में फिर मैं यही कहता हूँ कि लोगों को अगर लगता है कि हम देश के लिए समाज के लिए कुछ करना और पॉलिटिकली क्षेत्र में जाकर के करना और वो हम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर सकते हैं, तो आज मैं आपको वातावरण बता रहा हूँ। हमने अपने दरवाजे इसलिए खोले हैं क्योंकि कांग्रेस में ऐसे लोग जिनको लगता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस करती है, भारत के मन में राम है, भारत के हृदय में राम विराजमान है, उनका अपमान कांग्रेस करती है, तो वो जो लोग हैं जिनके मन के अंदर पीड़ा होती है तो उन्हें अवसर मिलना चाहिए। और अगर जिनका नाम आप ले रहे हैं उनके मन के हृदय में पीड़ा है तो मुझे लगता है कि उनका स्वागत है। विनय जी स्वागत है उनका, बिल्कुल स्वागत है उनका।